अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम फूड लवर्स किचन। आज हम बना रहे हैं लैम्ब रोस्ट। ये हमने लैम्ब रोस्ट लिया है, पहले मैं इसको कटिंग करूँगा। अच्छा याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे जॉइंट लगाया है। कुछ लोग जो इंग्लिश लैम्ब रोस्ट बनता है वो भी मैं आपको एक दिन बना के बताऊँगा, वो अलग स्टाइल में बनता है। ये पाकिस्तानी लैम्ब रोस्ट है, तो मैं इस पर टीचर ने तो कट नहीं लगाए, लेकिन मैं इस पर कट करूँगा। पहले ये मैं कट लगा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ रखता हूँ। और ये याद रखिएगा, मैंने विद फैट के साथ लिया है, फैट नहीं कटवाया। जब ये फैट में बनता है ना, बहुत ज़बरदस्त बनता है। और इसके साथ मैं इसके अंदर इस तरीके से ये करूँगा, आराम आराम से करना है आपको, किसी भी और कुछ ज़्यादा बनाओ। इसी को इसी तरीके से दूसरी तरह, दूसरी तरफ करना है। से ये होता है एक्चुअली कुल यहाँ वहाँ पर पाकिस्तान या और जहाँ जहाँ कुर्बान कटता है गोश्त, आप जाके लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत ये देखे हम इसको, अभी यूज करा मैंने ये लीजर लिए हैं और अभी मैं दूसरी साइड पर, और इसको विनेगर के साथ मैं यानी के रख दूंगा कुछ, यानी के 20-30 मिनट के लिए। फिर हम इसके अंदर मैरिनेशन करेंगे। अभी नहीं, मैंने सारा विनेगर ले लिया, ये मैं इसके साथ ब्लैक पेपर ले रहा हूँ। ब्लैक पेपर लगा रहा हूँ मैं इसमें, अच्छा है। फ्रिज में 20 मिनट के लिए रख दूंगा ये विनेगर। और याद रखिएगा, विनेगर और पेपर्स के साथ आपने इसको फ्रिज में रख देना है 20-25 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको इसकी मैरिनेशन दिखाऊंगा। ये मैरिनेशन हो गया, ये देखें, ये मैंने इसके लिए इंग्रेडिएंट्स दिए जो कि मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा रोस्ट लैम के लिए। और ये मेरी लैम आ गई है, मैंने फ्रिज के अंदर इसको रखा था, अब यानी कि मैं इसको बैरल चलूंगा। मैं बनाऊंगा इसका योगर्ट मैंने डाला। अब मैं इसके अंदर ये सारे मसाले ऐड कर दूंगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ।
उसके लिए ये इलाज कर रहा हूँ। अपना है लेकिन मैं इस तरह करता हूँ, सारा अनियन में सारा, जब इसके साथ ये अनियन बनेगा इंशाल्लाह ये देखें। अब ये मैंने जो जूस मेरा जो मैंने उसमें रखा था उससे मैंने ये निकाला है, मैं इसको ये थोड़े से जूस को बनाऊंगा राइस के लिए। अब मैं यहाँ राइस बना रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा थिक करूँगा जो कि राइस के अंदर ये सारा उसमें से मसाला निकला है। और राइस के लिए मैंने
है राइस के साथ, और हम इसके अंदर जो हमने रोस्ट लैम लेग तैयार की थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब ये बहुत गर्म है, अब मैं इसको बड़े तरीके से इसके अंदर ऐड करूँगा क्योंकि ये बहुत ही गर्म है, बिल्कुल टेंडर हो चुकी है इस टाइम, ये बहुत हॉट है इस टाइम, और जो खुशबुएँ आ रही हैं इसकी मैं आपको बता नहीं सकता। ये हमारी रोस्ट लैम तैयार है। अब जो केक है ऑयल के अंदर जो सूप पड़ा हुआ है वो मैं, और जो अनियंस मैंने डाले थे स्टार्ट में वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो आपने इसके ऊपर इस तरीके से डालना है। और जो मैंने इसका और मसाले से जो चावल बनाए मैंने वो आपने देखे, मैंने आपको बताया माशाल्लाह। ये देखें बोन भी इसकी टेंडर हो, और इसके साथ ये देख रहे ये सारा सैलेड है, ये राइस थे, राइस में इसके थोड़े से और कुछ टूटने के लिए वो कर दूंगा। आप इंजॉय करें इसको, और इंशाल्लाह ताला मुझे बताएं कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ये आज की हमारी रोस्ट लैम लेग थी विद राइस सैलेड, और रायता भी हमने बनाया, ये रायता जो हमने पुदीने की चटनी बनाई हुई है मेरी वाइफ ने बनाई है तो वो अंदर पड़ी हुई है। तो इंशाल्लाह ताला आप भी इंजॉय कीजिएगा, और आपको शॉपिंग दिन ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई किसी वीडियो के साथ, और आप जरूर मुझे कमेंट में बताएं, सब्सक्राइब दबाएं YouTube के ऊपर, Facebook के ऊपर प्लीज। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।